नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनोरंजन वाला में। कोरोना टीकों के सीमित इस्तेमाल पर विपक्षी दलों के हमले के बीच बाबा रामदेव जी ने ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, पतंजलि के बाबा रामदेव जी ने ऐलान किया है कि वो कोरोना का टीका नहीं लगवाएंगे। जी हां दोस्तों, बाबा रामदेव का साफ कहना है कि वो कोरोना का टीका नहीं लगवाएंगे और वह पतंजलि के प्रोडक्ट्स के सहारे ही कोरोना से बचे रहेंगे। जी हां दोस्तों, ये कहना है बाबा रामदेव का। उनका ये भी कहना है कि कोरोना के टीके की ज़रूरत सभी को नहीं है, बल्कि जिसे इसकी ज़रूरत है बस उसी को टीका लगाया जाए। बाकी आगे का फैसला सरकार करेगी कि वह किस किस को टीका लगवाती है और किसे नहीं लगवाती है। जी हां दोस्तों, कोरोना टीके के सीमित इस्तेमाल पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हमलों के बीच बाबा रामदेव का ये बयान आया है और उन्होंने ये भी कहा है कि सभी को, यानी कि हम सभी को, पूरे पॉपुलेशन को ये टीका लगाने की जरूरत नहीं है। जिसको जरूरत हो बस सरकार उसी को इंजेक्शन दे, बाकी सरकार आगे का फैसला लेगी कि वो किसको टीका लगवाती है और किसको नहीं लगवाती है। किसान आंदोलन के बारे में बाबा रामदेव ने कहा है कि इसमें किसानों को अपनी हट छोड़ करके, जिद छोड़ करके सरकार के साथ समझौता कर लेना चाहिए। सरकार भी उसकी बात मान रही है, किसानों की बात मान रही है, सरकार और किसानों को भी अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे बाबा रामदेव, हम सभी के पतंजलि के बाबा रामदेव। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को।